हेलो, मैं श्वेता आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजली अकर्स बाय। जो इन्फेक्शन होता है एस्कैरिस में, यू यूजली किससे अकर्स होता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्कैरिस। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ मैराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। इसका आंसर होगा टॉर्पेडो। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लेनेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। जो प्लेनेरिया होता है वो हाई कैपेसिटी पोज करता है, क्यों ये बताना है। इसमें होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन होने के कारण प्लेनेरिया हाई कैपेसिटी पोज करता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल वॉल को लैक करता है? इसका आंसर होगा सीफन, गोरगोनिया। गोरगोनिया जो होता है ये कम्प्लीटली लैक करता है सेल वॉल को। फिफ्थ क्वेश्चन होगा, सिलेक्ट द टैक्सोन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ऐसा टैक्सोन बताना है जो मैराइन और फ्रेश वाटर स्पीसीज को, दोनों को शो करता है। इसका आंसर होगा निडेरिया। एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम ऑर्थोपोडा। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो फाइलम ऑर्थोपोडा से प्रेजेंट नहीं करता है? आंसर होगा पैरापोडिया, क्योंकि ऑर्थोपोड्स में पैरापोडिया नहीं होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू सेवन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टर बर्ड्स और मैमल्स से शो नहीं होता है, शेयर नहीं होता है? इट्स ऑप्शन विविपैरिटी, सेकेंड इज करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। इसका आंसर होगा फोर्थ, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, जो कि कॉन्ट्रैक्टीज से होते हैं, ये ट्रू होगा ग्रुप। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नाइन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑल साइक्लोस्ट्रोम्स डू नॉट पॉजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। नाउ वी आर मूविंग टू टेंथ क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। एक्वेटिक मैमल्स के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा? ऑप्शन थर्ड, वेल, डॉल्फिन्स एंड सील्स आर द एक्वेटिक मैमल्स। एलेवेंथ क्वेश्चन, अन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स। हेमीकॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के साथ अपना कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ये हो जाएंगे फेरिंग्स और गिल स्लिट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स। इनमें से कौन सा ऑर्डर ऑफ हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, पेरिसोडिक्टाइला। नाउ वी आर मूविंग टू 13 क्वेश्चन, एमिनोड्स इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो एमिनोड्स होते हैं वो इनमें से किसको इंक्लूड करते हैं? ऑप्शन एम्फीबियंस के एक्सेप्ट में बाकी सब ये इंक्लूड करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्थोपोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से ऑर्थोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? देखिए, नॉन सेगमेंटेड बॉडीज हैं ये, जो हैं ऑर्थोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं। नाउ वी आर मूविंग टू 15th क्वेश्चन, टेरोपस इज अन। जो टेरोपस होते हैं वो क्या होते हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, मैमल होते हैं ये। मतलब ये ऐसे मैमल्स होते हैं टेरोपस जो कि फ्लाइट करते हैं, उड़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। आपको इनकरेक्टली मैच पेयर बताना है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ब्रैंकियोस्टोमा एंड एस्किडिया पर्सिस्टेंट करते हैं, नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होती है, तो ये इनकरेक्ट
स्टेटमेंट हो जाएगा. ऑपरकुलम एंड अन एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन इट्स 17th क्वेश्चन. ऑपरकुलम एंड अन एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन ऑप्शन फर्स्ट क्लैरियस जो होते हैं इनमें एबसेंट होती है. 18 इकाइनोडर्म्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय जो इकाइनोडर्म्स होते हैं ये नॉट कैरेक्टराइज्ड होते हैं किससे बाइसेक्सुअल एनिमल्स नहीं होते हैं ये तो आप सभी जानते हैं. बर्ड्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय जो बर्ड्स होते हैं वो उनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्ट नहीं शो करते हैं. तो देखिए जो बर्ड्स होते हैं इनमें मेनली ओविपोरस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही करते हैं ना. ऑप्शन क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकाइनोडर्म कैरेक्टर इनमें से कौन सा है जो इकाइनोडर्म कैरेक्टर नहीं है. इसका आंसर होगा प्रोटोस्टोम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनमें नहीं होता है. थैंक यू. आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन. प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू.